नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, आप सभी को इंतज़ार था कि कब होंगे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट और वो सभी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जिसका हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय। बेटा, अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बेटा, आपके जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 17 तारीख से, ठीक है। 29 तारीख को ये सर्कुलर निकाला है एडुडल ने, CBSE ने, और उन्होंने 17 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू कराए हैं जो कि ख़त्म होंगे 4 नवंबर को। आपका जो मॉर्निंग का स्कूल है या जर्नल शिफ्ट का स्कूल है, तो उसकी जो एग्ज़ाम टाइमिंग है क्लास 3rd to 8th के लिए होगी 9:30 से 12 बजे तक, और क्लास 9th और 12th के लिए होगी 9:30 से 12:30 बजे तक। इसी तरह से वो स्कूल जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल हैं, उनकी जो एग्ज़ाम टाइमिंग होगी वो होगी 2:00 से लेकर के 4:30 बजे तक, और 9th to 12th यानी बड़े बच्चों के लिए होगी 2:00 से लेकर के 5:00 बजे तक। तो ये है आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका कौन सा पेपर कब होगा, वो पूरी की पूरी डेट शीट। तो बेटा, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है आपकी मिड टर्म डेट शीट, जिसके अंदर आपके क्लास 3rd से लेकर के क्लास 12th तक के सभी एग्ज़ाम और उनकी डिटेल दी गई है। जैसे 17 तारीख को छोटे बच्चों का कोई पेपर नहीं है, 10th, 11th और 12th क्लास का एग्ज़ाम है। उसी तरह से 18 तारीख को भी 9th to 12th एग्ज़ाम है छोटे बच्चों का, यानी कि 7th और 8th क्लास का जो पहला पेपर है वो 20 तारीख से होगा, यानी 17, 18, 19 को उनका कोई भी पेपर नहीं होगा। उसके बाद 21 तारीख को 6th क्लास का पेपर होगा और 11th और 12th का पेपर होगा। इसी तरह से आप लोगों के 4 नवंबर को आप लोगों का लास्ट पेपर होगा मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन का। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते वक्त, तो ये जो डेट शीट है वो आपकी कॉमन डेट शीट है। टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को अपना क्लास में यानी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले पहुंच जाना है, कम से कम 15 मिनट पहले पहुंच जाना है, 20 से 25 मिनट भी पहले पहुंच सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट पहले एग्ज़ाम पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बेटा, आप लोगों को लेट नहीं होना है अपने एग्ज़ाम में, टाइम से जाना है, जिससे कि जब हम लेट हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा जल्दबाजी में चीज़ों को गलत करना शुरू कर देते हैं। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, सभी के पेपर बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए शिक्षा प्रभा के साथ बने रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।